नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और आप देख रहे हैं विशाल खबर। सतना जिले के मैहर राज्य सूचना आयुक्त को भी गुमराह करने से पीछे नहीं हटे। आपको यहां बताना यह जरूरी होगा कि मैहर निवासी एडवोकेट आनंद श्रीवास्तव ने सूचना के अधिकार के तहत कुछ जानकारी मांगी, किंतु समिति ने देने से इनकार कर दिया, जिस पर एडवोकेट श्रीवास्तव ने इस बात की अपील राज्य सूचना आयुक्त से की, जिससे सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने कहा कि मां शारदा प्रबंधक समिति एवं उज्जैन महाकाल का मंदिर सूचना के अधिकार एक्ट के तहत के दायरे में आते हैं। उक्त संबंध में राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने मंदिर प्रशासक धर्मेंद्र मिश्रा पर 25,000 का जुर्माना किया। उक्त विषय के संबंध में अपना जवाब देते हुए राज्य सूचना आयुक्त को SDM गुमराह करते हुए मंदिर प्रशासक ने कहा कि शारदा प्रबंधक समिति राज्य शासन के अधीन संस्था नहीं है, शारदा प्रबंधक समिति का मालिक माँ शारदा है। वहीं आगे SDM ने अधिनियम की धाराओं का हवाला दिया, जबकि जिस धारा के आगे श्री मिश्र ने हवाला दिया है वह धारा राज्य शासन द्वारा बनाए अधिनियम की ही है। वहीं दूसरी ओर शारदा प्रबंधक समिति से प्राप्त एक नोट शीट में साफ साफ इस बात का लेख किया गया है कि शारदा प्रबंधक समिति राज्य शासन धर्मस्व विभाग द्वारा गठित स्वतंत्र संस्था है। कहने का मतलब, एक जवाबदार अधिकारी ने दूसरे वरिष्ठ अधिकारी को गुमराह करने की कोशिश की। प्रकरण क्रमांक 0729 में सुनवाई हम शुरू कर रहे हैं। इसमें आनंद कुमार श्रीवास्तव इसमें ये अपीलार्थी हैं और प्रतिवादी गण में SDM है वहाँ के, बताइए, श्री धर्मेश मिश्रा ये SDM है। सबसे पहली चीज़ कि जो विषय यहाँ पर सामने आया है उसमें ये सेक्शन 18 के तहत कंप्लेंट सामने आई है कि क्या माँ शारदा मंदिर जो है, माँ शारदा देवी मंदिर प्रबंध समिति RTI के दायरे में आता है या नहीं आता है, उसको लेकर के यहाँ विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है। और यहाँ पर स्थिति में ये हुआ है कि इन्होंने जो RTI आवेदन में जो जानकारी चाहिए थी माँ शारदा देवी मंदिर प्रबंध समिति से संबंधित, उसमें जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई, ये कहते हुए कि ये श्री धर्मेश मिश्रा जी द्वारा ये कथन किया गया कि जानकारी जो है वो जो समिति है, प्रबंध समिति है, वो RTI के दायरे में नहीं आती है। इसमें आनंद कुमार श्रीवास्तव जी, आप अपना पक्ष बताइए। सर, मैंने आपके पास अधिनियम भेजा हुआ था। ठीक है, अधिनियम में देखिए, इन्होंने धारा 3, धारा 4, धारा 5 किया। धारा 6 देखिए, उसमें धारा 6 में समिति की स्थापना, उसमें 4 कैंडिडेट नहीं, ठीक है। इसमें देखिए, मैं आपको, क्योंकि ये सब, ये मामला ऐसा है कि हम जिसकी जो मतलब पानी और दूध की तरह साफ है ना, ये महाकाल मंदिर प्रबंध समिति भी RTI के दायरे में है। आप कलेक्टर ऑफिस में भी वहाँ पर उसमें या SDM कार्यालय में वहाँ पर RTI लगा करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही स्पष्ट व्यवस्था है कि एक्ट के अधिनियम, जो एक्ट के तहत अगर प्रशासन में या शासन ने कोई एक्ट बनाया है उसके अधीन अगर कोई व्यवस्था होती है तो वो व्यवस्था पूरी लोक प्राधिकारी की श्रेणी में आती है। जी जी। और ये बहुत ही स्पष्ट व्यवस्था है, इसमें कोई ये नई व्यवस्था नहीं है, ये बहुत पहले से चल रही है और बहुत सुचारू रूप से आप महाकाल मंदिर की भी सारी जानकारी आप ले सकते हैं। तो माँ शारदा देवी मंदिर प्रबंध समिति कोई अपवाद की स्थिति में नहीं है। इसको लेकर के कानूनी तौर पर बहुत ही विशुद्ध रूप से, मतलब जिसमें कहते ना, कोई अगर कोई भी शंका नहीं है, वैसी स्थिति है। और कानून में इसको बहुत अच्छी तरह से परिभाषित भी किया गया है और सेक्शन 2 में, RTI एक्ट के सेक्शन 2 में स्पष्ट तौर से ये जो मंदिर है, क्योंकि इसकी स्थापना एक अधिनियम के तहत हुई है तो वो RTI एक्ट के दायरे में आती है। दूसरा, इसमें जो एक और पक्ष सामने आ रहा है कि एक तो कंट्रोल भी है, शासन प्रशासन का इस पर पूरा कंट्रोल है, सेक्शन 2 के तहत जिस पर पूरा कंट्रोल होता है, कंट्रोल भी सब्सटेंशियल कंट्रोल, तो उसके तहत भी यहाँ पर ये जो प्रबंध समिति है, जो मंदिर की जो प्रबंध समिति है वो RTI एक्ट के दायरे में आती है। इसके अलावा अगर सब्सटेंशियल फंडिंग की व्यवस्था देखें, फाइनेंस की व्यवस्था देखें,
ये मध्य प्रदेश शासन द्वारा इसमें परिभाषित किया गया है कि किसी भी संस्था में शासन प्रशासन का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर 50,000 रुपये से भी कम की राशि या फिर वार्षिक टर्नओवर जो कि 50% हो, वो जो भी कम हो, वो अगर किया जाता है निवेश, तो वो पर्टिकुलर संस्था जो है वो संस्था RTI एक्ट के दायरे में आ जाती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ तो इसमें अधिनियम, जिस अधिनियम के तहत ये मंदिर का गठन हुआ है, तो इसमें मिस्टर धर्मेंद्र मिश्रा, मैं आपको सेक्शन 18 के तहत मेरे पास कंप्लेंट आई है, मेरी अभी कलेक्टर ऑफिस में भी बात हुई है, आप कलेक्टर ऑफिस में एक मिनट होल्ड कीजिएगा, क्या नाम था PIO का, चौरसिया, BL चौरसिया जी से भी बात कर लीजिएगा, है ना। ये बहुत स्पष्ट व्यवस्था है और इसमें कहीं कोई हमें कोई शंका नहीं है कि ये दायरे में नहीं आती है। मैं आपको यहाँ से नोटिस जारी कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें इसमें RTI एक्ट का वॉलेशन हुआ है। आप अगर RTI एक्ट ही नहीं, आप SDM हैं, आपकी पहली जो आपकी जो पहला जो कर्तव्य है वो शासन के और प्रशासन के प्रति होना चाहिए। अभी आप ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे एज इफ लाइक आप एक मंदिर की एक प्रबंध समिति, कोई प्राइवेट मंदिर समिति, आप उसके लिए उसके गार्जियन बने हुए हैं। ये बहुत ही गलत व्यवस्था है। आपको रेगुलेटरी अथॉरिटी, आप SDM हैं और इसीलिए आप उस प्रबंध समिति के, आप वहाँ पर प्रशासक के इस पर पद पर हैं। अगर आप इस पद पर नहीं होते तो आप प्रशासक भी नहीं होते। तो आपकी भूमिका एज ए रेगुलेटरी अथॉरिटी है, यानी एज ए रेगुलेटरी अथॉरिटी आप बेसिकली गवर्नमेंट की ओर से आप मंदिर का काम देख रहे हैं पूरा। तो यहाँ पर ये कोई दूसरा अन्य मंदिर नहीं है जो आप अन्य मंदिर से अगर आप उसको कंपेयर करेंगे, जैसे प्रदेश में अन्य भी मंदिर हैं, लेकिन चूंकि वो जहाँ पर कलेक्टर पदेन उसके अध्यक्ष होते हैं, लेकिन वो मंदिर पूरी तरह से RTI एक्ट के दायरे में इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि वो एक रेगुलेटरी व्यवस्था रहती है जिसमें अधिनियम के अधीन नहीं है वो व्यवस्था। ये जो माँ शारदा देवी मंदिर हो गया या फिर आप महाकाल मंदिर हो गया, ये एक अधिनियम के अधीन व्यवस्था है, इसीलिए इसमें RTI एक्ट का पूरा पालन होगा।